नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये देख सकते हैं हमारे पास अभी LG का TV 32 इंच आया हुआ है, जिसमें इंडिकेटर देख सकते हैं जल रहा है लेकिन स्टैंड बाई नहीं हो रही है। ठीक है, हमने रिमोट से भी चेक किया और प्लस ये बटन से भी चेक किया जो इसमें कीपैड लगा हुआ है, ठीक है, स्टैंड बाई में देख सकते हैं। इसका मॉडल नंबर भी आपको दिखा दूँ, ये है, ये देख सकते हैं दोस्तों इसका पीछे का लुक पूरा। इसमें जो कॉफ लगा हुआ है, दो कॉफ वाला पैनल है, सॉरी दोस्तों देख सकते हैं दो कॉफ वाला बोई का पैनल है ये, ठीक है, एक गेट वाली पैनल रहती है, ठीक है, इसमें साइड कॉफ नहीं रहता है, एक गेट वाली पैनल है, यहाँ देख सकते हैं पैनल का बोई का है, ठीक है। अभी तो पैनल हमको चेक नहीं करना है, हमारा जो प्रॉब्लम है ये मदरबोर्ड के अंदर है, जो कि पावर सप्लाई ये एडाप्टर जो है बाहरी है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं एडाप्टर ये इधर ही है, और हमारा जो है प्रॉब्लम जो है ये हमारा इसी के अंदर है इतने में। तो चलिए फटाफट इसको चेक करते हैं। जब स्टैंड बाई में टीवी रहे दोस्तों, जब हमारा ऑन ना हो, तो सबसे पहले आपको जो चेक करना है ये हमारा जितने भी रेगुलेटर है, ठीक है, जितने भी रेगुलेटर लगी हुई है इसको चेक करना है सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए अब बारी बारी इसको चेक करते हैं। यहाँ जो है हमारा, यहाँ चेक करते हैं, यहाँ 3.3 वोल्ट आता है, आ रहा है हमारा, परफेक्ट है, ठीक है। थोड़ा भी अगर ब्लिंकिंग भी करेगा ना तभी भी प्रॉब्लम रहती है दोस्तों, अभी एकदम परफेक्ट है 3.3 वोल्ट। और जो हमारा ये है, ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर रहता है, देख सकते हैं एकदम 5 वोल्ट परफेक्ट है। और ये जो है हमारा सही से 1.1 वोल्ट का है, ठीक है, ये वाला, ये देख सकते हैं परफेक्ट है। और यहाँ देख सकते हैं ये हमारा पैनल के लिए जाता है, ठीक है, ये जो है हमारा बैकलाइट ड्राइवर का IC है, ठीक है, इसी में से पैनल का भी वोल्टेज निकलता है 12 वोल्ट, ठीक है, ये देख सकते हैं ये पैनल के लिए, तो ये हमारा 12 वोल्ट आ रहा है, देख सकते हैं। और ये तो हमारा बैकलाइट का है, तो यहाँ अभी जब ऑन होगा तो बूस्ट करेगा वोल्टेज, अभी तो 19 वोल्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखो बैकलाइट का सेक्शन ये मदरी बोर्ड में है, ठीक है, एडाप्टर वाली टीवी है तो इसमें तो पावर सप्लाई रहेगा नहीं, और बैकलाइट का सेक्शन जो है ये है। तो अभी फ्लैश पर भी चेक कर लेते हैं 3.3 वोल्ट, ये जो है हमारा फ्लैश है, यहाँ भी देख सकते हैं 3.3 वोल्ट एकदम परफेक्ट है। अभी जो यहाँ हमारा 3.3 वोल्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाली टांग आ रही है, इसके आउट में जो है ये आउट है, इसके जो आउट है यहाँ, यहाँ हमारा आएगा 1.5 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो है यहाँ कितना आ रहा है, 0.3 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। ये रेगुलेटर इसका नंबर भी आपको दिखा दूँ, यहाँ देख सकते हैं 0.3 वोल्ट आ रहा है, यहाँ 1.5 वोल्ट आना चाहिए, देखते हैं कितना नंबर का लगा हुआ है ये, शायद आपको नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये तो नंबर ही है, और यहाँ देख सकते हैं ADJ लिखा है, ठीक है, ADJ, तो इसकी जगह पे यही ना, ये सेम रेगुलेटर जो है ना, ये IC जो है ADJ लिखा रहेगा वही चलेगा, यहाँ अगर 3.3 लिखा है तो 3.3 वोल्ट का रहता है, 2.5 लिखा रहता है तो 2.5 वोल्ट का रहता है, ठीक है, तो यही नंबर का चलेगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको दूसरा पहले चेंज करके देखते हैं, देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो ये जो ख़राब वाला है यहाँ है IC, और ये अभी इसमें एडाप्टर लगा के चेक करते हैं, एडाप्टर लगा दिया, यहाँ देखिए, यहाँ हमारा देखिए, अभी देखिए दोस्तों 1.5 वोल्ट बन गया, एकदम परफेक्ट है, ठीक है,
देख सकते हैं 1.5 वोल्ट बना। ये इनपुट का वोल्टेज कभी भी चेक कर लेना है, 3.3 वोल्ट इनपुट में रहेगा तभी आउटपुट में वोल्टेज हमारा ये आएगा, ठीक है। अभी देख सकते हैं टीवी भी हमारा ऑन हो गया है, यहाँ अंदर की बैकलाइट दिख रही है, टीवी चालू हो गया है, ठीक है। देख सकते हैं टीवी हमारा ओके हो गया है, ठीक है। चलिए इसमें केबल लगा के आपको दिखा दूँ पिक्चर। देख सकते हैं दोस्तों हमारा टीवी एकदम क्लियर हो गया, चालू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों देख सकते हैं ये मदरबोर्ड भी हमारा, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं क्वेश्चन का जवाब जल्द से जल्द दे दूँगा, ठीक है। आप मेरा टेलीग्राम वो चैनल भी है, ठीक है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन लिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।